Hello everyone, how are you? I hope you are doing great. Welcome back to my YouTube channel Tasao Tech. अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब my चैनल. तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं प्लस उनके पास कार है या कोई भी मोटर व्हीकल है, क्योंकि अक्सर सऊदी अरेबिया में हम लोग काफी फाइन भरते हैं जब भी कार चलाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक वायोलेशन. तो कई सारे ट्रैफिक वायोलेशन है जिसमें से एक ट्रैफिक वायोलेशन है रेड लाइट सिग्नल. और अगर रेड लाइट सिग्नल अगर आप क्रॉस करते हो उफ बिग फाइन 3000 रियाल. अगर आप इंडियन मनी में कन्वर्ट करोगे तो 60,000 रुपए अगर आप रेड लाइट सिग्नल क्रॉस करते हो. तो मैं बता रहा हूं कि रेड लाइट सिग्नल क्रॉस करने का 3000 रियाल है. और अक्सर लोग कब गलती करते हैं, जब वो राइट टर्न लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि राइट टर्न फ्री है. यस फ्री है, लेकिन अगर आप कुछ मिस्टेक करते हो राइट टर्न लेने वक्त तो खलास 3000 रियाल. इट्स अ बिग अमाउंट. चाहे आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो चाहे कम हो, रियली दिस 3000 रियाल विल किल यू. और ये सिर्फ 3000 रियाल फाइन नहीं, प्लस आपका 12 ब्लैक पॉइंट आपके लाइसेंस में, ड्राइविंग लाइसेंस में ऐड होगा. क्योंकि यहां जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उसमें जब भी आप कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक करते हो तो ब्लैक पॉइंट आपके ड्राइविंग लाइसेंस में ऐड होता है. अगर ये विद इन 1 हिजरी ईयर अगर ये 24 पॉइंट्स रीच करता है, 24 पॉइंट्स अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में ब्लैक पॉइंट ऐड होता है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 मंथ के लिए सस्पेंड. अगर यही चीज अगेन अगर आप रिपीट करते हो, 1 साल में 24 ब्लैक पॉइंट अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में आता तो 6 मंथ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड. अगर फिर से थर्ड टाइम भी रिपीट करते हो, 24 पॉइंट्स रीच करते हो, 1 ईयर लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड. अगर फोर्थ टाइम खलास आपका ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल. तो प्लीज कोई भी ट्रैफिक रूल ब्रेक ना करें. तो चलिए यहां पर मैं मेन मेरा वीडियो बनाने का वजह है राइट टर्न, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले लोगों में से राइट टर्न लेने वक्त उसे ये रेड सिग्नल पे ट्रैफिक वायलेशन कंसीडर किया गया और उसे फ्लैश पड़ा जिसके वजह से उसे फाइन आया. तो चलो जानते हैं कि क्या गलती नहीं करना चाहिए राइट टर्न लेने वक्त. राइट टर्न लेने वक्त जस्ट ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है, फॉलो करना है, सिर्फ याद नहीं फॉलो करना है. तो सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1, एक्सट्रीम राइट लेन. यानी कि जब भी आप रोड पे रहते हो और राइट टर्न लेना तो आपकी कार एकदम बाएं तरफ होनी चाहिए, बाएं वाली लाइन पे होनी चाहिए. अगर आपका व्हीकल का कार का थोड़ा सा भी पार्ट अगर मिडिल लाइन को टच करता है या क्रॉस करता है तो समझ गए ना, ट्रैफिक लाइट फ्लैश 3000 रियाल 10. तो प्लीज पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखना, कार को एक्सट्रीम लाइन पे रखो, सबसे बाई तरफ रखना है और उसके बाद आपको राइट टर्न लेना. दूसरी बात, दूसरा पॉइंट्स, राइट इंडिकेटर. जब भी आप राइट टर्न ले रहे हो तो याद रखना आप राइट इंडिकेटर ऑन रखना. अगर राइट इंडिकेटर ऑन नहीं है अगर आपने राइट टर्न लिया तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा कि आपने ट्रैफिक वायलेट किया है. थर्ड, स्टॉप एंड मूव. स्टॉप द व्हीकल एंड देन मूव. यानी कि आपको कार को रोकना है उसके बाद धीरे 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 राइट टर्न लेना है. यानी कि आप राइट एक्सट्रीम लाइन पे पहुंचे, राइट इंडिकेटर ऑन रखो और वहां पहुंचने के साथ पहले कार को स्टॉप रोक दो वहां पर राइट सिग्नल के ठीक पहले
और उसके बाद धीरे 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 राइट लाइन लो, और मेक श्योर करना जितने आप राइट रहोगे, जितने आप बाई साइड में रहोगे, उतना आप सेफ साइड पे रहोगे। ये तो रहा 3 पॉइंट। 4th स्पीड, तो आपको जरूर जानना चाहिए कि जब भी आप राइट टर्न ले रहे हो तो आपका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर घंटा के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड 5th पॉइंट, रियली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अक्सर सिग्नल पे राइट डेजिग्नेटेड रूट बना हुआ रहता है, यानी कि 5th पॉइंट है डेजिग्नेटेड रूट। मतलब जब भी आपको किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे अगर पहले से राइट जाने का रास्ता बनाया हुआ, फ्री राइट जाने का रास्ता बनाया हुआ, फ्री बाएं जाने का रास्ता बनाया हुआ है, तो आप कभी भी ये गलती ना करना है कि राइट जाने के लिए सिग्नल के पास जाके राइट लेना। दिस विल बी टोटली रॉन्ग। अगर आपने ऐसा किया, खलास, वहां पर वो सिग्नल आपको लग जाएगा, वो फ्लैश आपको मारेगा ही मारेगा, क्योंकि जहां भी राइट आपके लिए पहले फ्री वे दे दिया है सिग्नल के पहले, तो वहां पर कैमरा एक्टिवेट है। कोई भी बंदा अगर राइट लेते हुए भी सिग्नल से राइट लेगा तो उसको कैमरा लगेगा। तो ये रहा 5 पॉइंट, आप जरूर फॉलो करना। रियली ये 3000 रियाल, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इट्स अ बिग। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कार है, और उन लोगों के लिए भी जिनके पास कार नहीं है और वो कार पे अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली फ्रेंड के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए और वो ये चीज लोगों को बताए भी आप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज डू लाइक and share the video. Thank you so much.